कुलदीप सिंह सेंगर इनकी पार्टी का था है? सारे बलात्कारियों को, चोर और डकैतों को, गुंडे और मवालियों को ये अपनी पार्टी में रखते हैं। नरेंद्र मोदी की छवि कौन खराब करेगा? नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने वीजा नहीं दिया। मैडम, मीडिया बोलने से कुछ नहीं होगा, हाथ में माइक मैं भी उठा सकता हूँ। अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर खाली नहीं कराया जा रहा, विश्व पटल की बात करने चले हैं। आज भारत देश की स्थिति दिन प्रतिदिन नीचे गिर रही है। मध्य प्रदेश में पत्रकारों को नंगा किया गया था, भूल गए? भूल गए? लोगों को सड़कों पर नहीं निकलने दिया जा रहा। आप कहते हैं डेमोक्रेसी, तो किसी महिला को सुपर्णखा बोलना जायज है? बताइए, मतलब आप करें तो डांस और दूसरा करें तो मुजरा। के सारे राजा हरिश्चंद्र की छठी औलादे हैं, सारे दूध के दूल्हे हैं, एक भी नेता नहीं है। रेपिस्ट इनकी पार्टी का, कुलदीप सिंह सेंगर इनकी पार्टी का था है? सारे बलात्कारियों को, चोर और डकैतों को, गुंडे और मवालियों को ये अपनी पार्टी में रखते हैं और उसके बाद जांच करवाते हैं विपक्ष के नेताओं के ऊपर। राहुल गांधी से आज इतना घबराए हुए हैं और विपक्ष से इतना घबराए हुए हैं नरेंद्र मोदी जी कि उठवा उठवा के जेल के अंदर बंद करवा रहे हैं। और स्मृति ईरानी बोल रही हैं, स्मृति ईरानी भूल गई, जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो स्मृति ईरानी ने एक बात कही थी कि नरेंद्र मोदी जी का, जिस टाइम पे गुजरात दंगे हुए थे, स्मृति ईरानी ने एक बात कही थी कि नरेंद्र मोदी जी का, सुन लीजिए सुन लीजिए, कह दे कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की छवि खराब कर रहे हैं। अरे, नरेंद्र मोदी की छवि कौन खराब करेगा? नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने वीजा नहीं दिया। नरेंद्र मोदी की छवि खराब करेगा कोई? जिस व्यक्ति की छवि पहले से खराब हो उसकी छवि कौन खराब करेगा? जरा ये तो बताइए, जो खुलेआम बोलता हो बेटी बचाओ बेटी पटाओ उसकी कोई छवि खराब करेगा? जो बिना टेरी प्रॉम्प्टर के बोल नहीं पाते आप उनके लिए क्या कहेंगे? और आपको तो लगेगा ही जबान, बिल्कुल आपको तो पाल के रख रखा है ना, आप लोगों को पाल रखा है, आपका पेट पाल रहे हैं, और क्या चाहिए? आप ऐसे बोलेंगे मीडिया से? बिल्कुल क्यों नहीं बोलेंगे, डेमोक्रेसी में आजादी है, ठीक है ना? आजादी है तो मीडिया से ऐसे कौन सा स्थान है मीडिया का? आप बताइए, इधर आकर बताइए ना, कौन सा स्थान है मीडिया का? बताइए कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है देश की डेमोक्रेसी में? बताइए, फोर्थ पिलर है ना डेमोक्रेसी का? नहीं, फोर्थ पिलर है ना डेमोक्रेसी का? बताइए कौन सा स्थान है? मैडम, मीडिया बोलने से कुछ नहीं होगा, हाथ में माइक मैं भी उठा सकता हूँ, पूरी नॉलेज लेके आइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेसीबी, क्या मतलब होता है बताइए, जरा सामने आकर बताइए ना, करिए आप एक्सप्लेन। मैडम, बोलने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, यहाँ आकर बताइए और उसके बाद में पहले नॉलेज गेन करिए, नॉलेज सबसे बड़ी चीज है। आज नरेंद्र मोदी जी के पास नॉलेज नहीं है, इसीलिए टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत है। विश्व पटल पे, सुनिए, विश्व पटल पे भारत अपना नाम रोशन कर रहा है तो कांग्रेस को, हाँ, कितने देश घूम के आई हो आप, कितने देश घूम के आ गई आप, बताइए जरा, कितने देश घूम लिया आपने जो आप कह रही विश्व पटल से? अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर खाली नहीं कराया जा रहा, विश्व पटल की बात करने चले हैं, हैं? हिंदू को मुसलमान से लड़ाकर, सिख को ईसाई से लड़ाकर भारत को विश्व पटल पे बनाएंगे आप? इस देश की एकता, एकता अखंडता यूनिटी के अंदर है, ठीक है ना? और जो ये देश, ये बताइए, जब 24 का चुनाव होगा, राहुल गांधी मैदान में नहीं होंगे, अकेले मोदी होंगे, तो अब फिर होना ही क्या है, क्या होगा? अरे नरेंद्र मोदी जी, एक बात मुझे बताएं, नरेंद्र मोदी जी के पास क्या क्वालिफिकेशन है, क्या डिग्री है? मैं तो ये कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी लाइव डिबेट करें ना, लाइव, अरे लाइव डिबेट करें, लाइव सेशन करें देश के किसी भी नेता के साथ, आपको पता चल जाएगा आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है। आप मन की बात लेके आते हैं, लाइव डिबेट करिए, लाइव सेशन करिए, आप देश के यंगेस्टर का जवाब नहीं दे पाएंगे, और किसी का जवाब देना तो बहुत बड़ी बात, आप यंगेस्टर का जवाब नहीं दे पाएंगे। आपको ये नहीं पता, आपको पता है देश की इकोनॉमी कितने नंबर पर है, देश की जीडीपी कितने नंबर पे, बताइए जरा, भारत देश का स्थान कौन से नंबर पे एजुकेशन पे, बताया आपको? आज भारत देश की स्थिति दिन प्रतिदिन नीचे गिर रही है। ये देश को गुलाम बनाने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो देश के फोर्थ पिलर पर, देश की डेमोक्रेसी के अंदर फोर्थ पिलर यानी देश की गोदी मीडिया को। आप लोग, लोगों का माइंड डाइवर्ट करते हैं। सुनिए ना, राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, हाँ, क्या हुआ, दुकान बंद हो गई? मोहब्बत की दुकान, अरे मोहब्बत की दुकान ये तो बता दीजिए, मोहब्बत की दुकान कभी बंद नहीं हो सकती इस देश के अंदर, कभी नहीं बंद हो सकती, ठीक है? ताला नहीं लगा है, ठीक है? ताला तो इस देश की डेमोक्रेसी पे, संविधान पे लगा दिया है, और ये लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, जो आप इतनी खुशियां मना रहे हैं ना, ये ध्यान रखिए, पिंजरे में कैद मुर्गे की तरह हैं, ये मत समझिएगा कि सिर्फ एक ही मुर्गे को निकाला जाएगा, सबको निकाला जाएगा बारी बारी। जब आप, एक मिनट, आप जब, आपको याद नहीं आता पत्रकार होते हुए शर्म नहीं है? मध्य प्रदेश में पत्रकारों को नंगा किया गया था, भूल गए? भूल गए? नहीं बोला गया? राहुल गांधी फैसला तो कोर्ट से आया है, फिर विवाद सत्ता में।
बैठे लोगों से क्यों? अरे तो एक बात मुझे बताइए, जितनी जल्दी फैसला इस मैटर में आ रहा है, डिफॉर्मेशन के मैटर में आ रहा है, 499-500 के सेक्शंस में आ रहा है, इतनी जल्दी अगर फैसला बलात्कारी और रेपिस्ट के मामले में आता तो आज बलात्कारी सड़कों पर खुलेआम नहीं घूम रहे होते। बलात्कारियों पर लेकर आइए फैसला, ठीक है? और विपक्ष, डेमोक्रेसी के अंदर किसको कहा जाता है डेमोक्रेसी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी? क्या है डेमोक्रेसी बताइए आप मुझे, किसे कहते हैं लोकतंत्र बताइए आप मुझे, किसे कहा जाता है लोकतंत्र? आज सड़क पर खड़े होकर बोलने की आजादी नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, लोगों को सड़कों पर नहीं निकलने दिया जा रहा। आप कहते हैं डेमोक्रेसी नहीं, अभी देखिए ना पुलिस कैसे डिटेन कर रही है, आपको तो करेगी नहीं क्योंकि मोदी जी का और आपका तो साथ में उठना बैठना है, समझे? अरे आप अगर फैसला जल्दी आ रहा तो दिक्कत ना है, तो दिक्कत समझ। अरे तो हम भी तो ये कह रहे हैं कि बलात्कारियों पे फैसले आए ना पहले। दूसरी बात ये, अनुराग ठाकुर की तो संसद की सदस्यता नहीं जाती जब वो बोलते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो करके डैश बोलते हैं। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, हेमंत करकरे सुन लीजिए, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने अपमान किया, सही? एक मिनट, शहीद हेमंत करकरे का अपमान किया साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने, क्या कार्रवाई हुई इसके ऊपर बताइए ना आप मुझे। शहीद हेमंत करकरे का अपमान किया उस, अरे सुनेंगे सर, सुनने का दम है आप में? मैं क्या बोलता हूँ आपसे, माइक छोड़कर सामने आइए, 1-to-1 करते हैं, फिर पता चलेगी कितनी सजा होती है। आप आइए तो सही, आपका ज्ञान मैं भी दिखाऊं पूरे देश की जनता को, आइए तो एक बार पता चलेगा आपको ज्ञान। स्मृति ईरानी को डायन बोलना जायज है? तो किसी महिला को सुपर्णखा बोलना जायज है? आप मुझे, वो जायज है? मतलब आप करें तो डांस और दूसरा करें तो मुजरा, है ना? आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? अरे एक बात आप मुझे बताइए, सुन लीजिए, एक मिनट, जिसको दिक्कत है, जिसको तकलीफ है, वो नीरव मोदी, ललित मोदी जितना पैसा लेके भगाए, जिसको दिक्कत और तकलीफ हो रही हो, ललित मोदी और नीरव मोदी का सारा पैसा चुका दे, सारी तकलीफ खत्म। चुकाएगा है किसी में दम? सिर्फ मुझसे बोलेंगे कि ठेस पहुंच गई, ठेस पहुंच गई। नरेंद्र मोदी, अरे नरेंद्र मोदी में दम होना चाहिए नीरव मोदी को लाने का, पागल बनाने से कुछ नहीं होगा। लेके आए नीरव मोदी को देश में, भाई सब करोड़ों रुपए का गमन करके गया है, बैंकों को चूना लगा के चला गया, और आप कह रहे हैं कि उस पर सवाल ना पूछे। मैं कहता हूँ ललित मोदी चोर था, चोर है, और नीरव मोदी चोर था, चोर है, और चोर है। आप तो इस बात से भी सहमत होंगे कि फिर प्रधानमंत्री डरपोक है? किसमें प्रधानमंत्री? अरे प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री अगर डरपोक नहीं होते तो एक बात मुझे बताइए, जिनपिंग से सवाल क्यों नहीं करते वहां जाके कि अरुणाचल प्रदेश से चाइना के सैनिकों को कब हटाएगा? जवाब दीजिए इस बात का। अरे सहानुभूति लेने क्यों कोशिश कर रहे हैं आप? है? सहानुभूति के लिए इतना सब? कौन सी सहानुभूति ले ली है तो बता दीजिए। अरे आप तो सुन लीजिए, आप तो इतने बेशरम किस्म के आदमी है, आपको तो वहाँ विदेशी कंट्रियों तक से भगाया गया, शर्म नहीं आती आपको? शर्म है या नहीं है? बताइए कांग्रेस अब क्या करेगी? सभी लोग जानना चाहते होंगे कि कांग्रेस क्या आगे। आज मैं आपको बताता हूँ, आज पूरा विपक्ष एक साथ है, सड़कों पर है, और आज देश के अंदर लोकतंत्र का जो हनन हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है, और ये लड़ाई संविधान को बचाने की, और संविधान को बचाने की लड़ाई में हम हरगिज अपने देश को दोबारा गुलाम नहीं।